नमस्कार, नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो सभी गुरुओं को मेरा नमन है। और किसी माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से ही मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो इनडायरेक्टली मैं भी आपका गुरु हुआ। तो ऐसे गुरु मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही चीज का ज्ञान दूं। इसीलिए मैं आज आपके सामने एक बहुत ही खास सब्जेक्ट को लेके आया हूं। मैं जितनी भी बातें आज के इस वीडियो में बताऊंगा, उस बातों को आपको अपने लाइफ में जरूर उतारना चाहिए। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप जीवन में सही मार्ग पर चलेंगे। और जो लोग इस चीज को नहीं अपनाते हैं, वो नहीं अपनाए, कोई बात नहीं, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर है कि वो कौन सी चीजें लेता है नहीं लेता है। सभी लोग स्वतंत्र हैं। सो जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा हुआ है, काफी डरावना है ये थंबनेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों मैंने ये थंबनेल इतना डरावना बताया है गुरु पूर्णिमा के दिन। काफी समय से मैंने इस टॉपिक को सोचा हुआ था कि मैं बनाऊंगा, और आज ही वो दिन आ गया है कि मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग साधना करना चाहते हैं। पूजा पाठ एक अलग सब्जेक्ट है, साधना एक अलग सब्जेक्ट है। साधना एक बहुत गूढ़ विज्ञान है, बहुत गूढ़ रहस्य है। साधना आपको वो सब दिला सकती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, जो पाया नहीं होगा। और साधना में मोस्टली बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, बीज अक्षरों का प्रयोग होता है। और बीज अक्षर और बीज साधना में बहुत शक्ति होती, बहुत पावरफुल होते हैं। वो काम कर सकते हैं जो काम कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी देखा गया कि डेस्टिनी में आपकी नहीं लिखा रहता, वो भी आपको दिलाने की शक्ति इन बीज मंत्रों में होती है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल जब भी आप इन बीज मंत्रों को चूज करते हैं। मैं बीज मंत्रों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बीज मंत्र होते हैं क्रीम, रीम, त्रीम, दम, दुम, फ्रोम, छोम, जितने भी बीज मंत्र हैं, बीज मंत्रों की बात कर रहा हूं। और बीज मंत्र से ही धीरे धीरे वो मंत्र बड़े होते हैं, पेड़ बनता है। जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम जो शब्द है, ये बीज मंत्र हुआ, उसके साथ कृष्णाय लगा तो पूरा पेड़ बन गया, एक तैयार हो गया भगवान की स्तुति। तो इसको बहुत सोच समझ के करें। जब भी आप साधना करते हैं तो ज्यादातर होता क्या है कि आप YouTube के बहुत सारे वीडियोस को देख के, क्योंकि बहुत सारे सज्जन लोग, महारथी लोग वीडियो के सब्जेक्ट को बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में, उस YouTube में केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिस्क्लेमर मिलता है कि यह जो वीडियो है एडुकेशन के पर्पज से बनाया गया, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो चीज है उसने अपने आप को सेव किया, अपने आप को सेव किया। लेकिन आप अपने आप को कैसे सेव करेंगे कि कोई भी मंत्र आपने लिया और चैंटिंग चालू कर दी, क्या आपने कभी उसके दुष्परिणाम को सोचा है कि इसका क्या हो सकता है? तो मेरा यही आपसे कहना है इस गुरु पूर्णिमा के दिन कि कोई भी मंत्र यूं ही YouTube से उठा के ना करें, खास करके जब वो एक बीज मंत्र हो। बीज मंत्र नाम जप के लिए आप सब लोग फ्री हैं। नाम जप कौन से होते हैं? ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, राम राम, हरे राम, श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम, जय हनुमान, नमः शिवाय, ठीक है? तो ये नाम जप है, इसके लिए कोई विधि विधान नहीं है। किसी भी समय, किसी भी क्षण, कैसे भी आप हो, आप जप सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं आप। लेकिन जब बात बीज मंत्रों की आती है तो आपको बीज मंत्र जपने से पहले गुरु दीक्षित होना बहुत जरूरी है। देखिए, गुरु दीक्षा के बिना कोई भी साधना आपकी पूर्ण नहीं हो सकती है। चाहे आप YouTube में कितने भी वीडियो देख लें कि मैंने शिव जी को अपना गुरु बनाया है, मैंने विष्णु को अपना गुरु बनाया है, ये सब वीडियो जो होते हैं ये आपके विश्वास को साथ लेके चलते हैं कि आप शिव जी को गुरु। मैंने अपने किसी भी वीडियो में कभी भी आज तक ऐसा नहीं बोला हुआ है कि आप इसको नारायण को अपना गुरु बना लें, विष्णु को अपना गुरु बना लें, आप शंकर भगवान को अपना गुरु बना लें, गणेश जी को अपना गुरु बना लें, क्योंकि ये बात है ही नहीं और ना मैं कभी बोलूंगा, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर और बहुत सारे लोग जो वीडियो होते हैं वो बनाते रहते हैं, है ना?
सो आप इस बात को समझिए कि सबसे पहले आप दो बात समझिए, गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु का मतलब होता है जो आपको दीक्षित करे, आपको सही प्रकार का एक मंत्र दे और उस मंत्र के साथ मूल मंत्र दे, और मूल मंत्र के साथ जब भी आपको कोई परेशानी अगर होती है किसी भी निगेटिव एनर्जी के रूप में तो आपको बचा ले, तो वही गुरु होता है, यानी वो इंसान प्रत्यक्ष है। इसीलिए भगवान ने एक गुरुओं को बनाया जो प्रत्यक्ष रूप से आपकी सहायता कर पाए, वरना भगवान फिर गुरुओं को बनाते ही नहीं, फिर ये वेद पुराण भी नहीं आते, ठीक है। सो भगवानों को जबकि आप फिर पूजा कर सकते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को अपने गुरु बनाइए जब आप भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं, साधना के मार्ग पे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देखा कि मुझे प्रेत की साधना करनी, बैताल की साधना करनी है और आपने शंकर भगवान को अपना गुरु बना लिया और लगे भगवान की शैतान की पूजा अर्चना करने। तो भगवान अंतर्यामी है, आपको बचा लेंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन वो शैतान आपके साथ क्या क्या करेगा वो आपको पता भी नहीं है। सो मेरा यही कहना है कि जितनी आप श्रद्धा और मन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो अगर आप पूजा और साधना के क्षेत्र में आते हैं, तंत्र के क्षेत्र में आते हैं, तो सबसे पहले गुरु को ढूंढिए। एक और सवाल निकल के आता है कि गुरु आजकल आसानी से नहीं मिलते, बहुत से चोर उचक्के ठग बैठे हुए हैं। सही बात है, इस बात से भी मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल सच है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गुरु और साधना आपके प्रारब्ध में लिखी होती है। अगर आपके प्रारब्ध में वो चीज होगी तो वो साधना और गुरु आपको स्वयं ढूंढ लेगा, या वो साधना आपको ढूंढ रहेगी, यदि साधना आपको खुद चूज करती है। यूं ही वीडियो को देख के, कोई भी वीडियो को आपने देखा और आपने सोचा मुझे भी करना चाहिए, उसको ये फायदा हुआ, उसको 60 लाख की लॉटरी लग गई, उसको नौकरी मिल गई, ऐसे कभी कोई नहीं होती ये चीजें। किसी भी चीज में आपको इस तरीके से सफलता नहीं मिलती कभी भी। तो साधना के मार्ग पे आने के लिए आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं इस मार्ग पे इसलिए आ रहा हूं, बात समझिएगा, इसलिए इस मार्ग पे आ रहा हूं, मेरा ये एम है। उसके बाद गुरु को ढूंढिए। अगर आपको कोई बहुत अच्छा गुरु नहीं मिलता है, कोई नॉर्मल गुरु भी मिल जाता है, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, और आपसे अगर थोड़ी सी दक्षिणा ले भी लेता है 1000-2000 और आपको कोई गुरु मंत्र देता है, तो मेरे हिसाब से आपको दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? इसमें दो बातें हैं। पहला कि अगर वो नॉर्मल भी गुरु है तो भगवान ने ये कहा है कि गुरु के मुख से ही आपको वो मंत्र लेना चाहिए, तो एक तो आपका ये प्रोसेस यहां पे हल हो गया, ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। और दूसरा क्या है कि आपने अपना कर्म कर दिया, 1-2 हजार रुपए उसको जो देने थे आपने दे दिए, आपने दे दिए, ये उस चीज से 1-2 हजार तो अच्छे हैं कि अगर आपके सामने कोई भूत प्रेत आ जाता है, आपके परिवार पे लग जाता है, आपको नुकसान होता है, फिर आप उसके पास तांत्रिकों के पास जाते, ओझा के पास जाते, भगतों के पास जाते, फिर वहां आप अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद करते थे, इससे अच्छा है कि 1-2 हजार रुपए यहां पर बर्बाद करें आप। तो यहां पर अगर आप बर्बाद करते हैं तो उसके बाद आपने अपना कर्म कर दिया, क्या फल उसे मिलेगा अगर वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है ये ऊपर वाला सब देख लेगा, उसको उसके कर्मों की सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक चीज में आप श्योर हो जाएंगे कि आपको गुरु मंत्र मिल चुका है, तो यह तरीका है। सो जो लोग ज्यादा सुपरमैन बन के बातों को ना मान के, जो सही आपको बात समझाता है यूट्यूब में कि गुरु को बना के ही ये सब साधनाएं करनी चाहिए, तंत्र की साधनाएं, खास करके तंत्र की साधनाएं की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली, और बीज मंत्रों की बात कर रहा हूं बेसिकली। बीज मंत्रों को और तंत्र साधनाओं को तो बिना गुरु की दीक्षा के आपको जपना ही नहीं चाहिए, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, इजाजत लेके फिर आप करिए, चाहे आपको 1 साल लग जाए इजाजत लेने के लिए, लेकिन रुक जाइए, थम जाइए, ठीक है। सो जो गुरु के बिना बिना मन से, अपने ही मन से सुपरमैन बन जाते हैं ना कि नहीं मैं तो करूंगा, तो कर लीजिए। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे सारे एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के द्वारा देखे हैं, अपनी आंखों से कानों से सुने हैं, बहुत सारी मेरे पास ऐसी कन्वर्सेशन आती हैं, बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं मुझसे ऐसी बात करते हैं कि गुरुजी मैंने काली माता का मंत्र पढ़ा था, शमशान काली का पढ़ा था, लेकिन शमशान काली तो मुझे नहीं मिली, और अब जब भी मैं आके अपनी आंखें खोलता हूं तो मुझे राक्षस नजर आता है, मुझे ऐसी ऐसी चीजें सुनाई दे रही, डरावनी मुझे दिखाई देती है हर चीजें, कभी मेरे दीवारों पे वो आकृति बन जाती है डरावनी की। तो इसके अलावा भी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। तो यही एक इसका सलूशन है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो भी चूज करें पार्क एट योर ओन रिस्क, अपनी रिस्क पे ही गाड़ी पार्क करें। अगर आपका विजन क्लियर है कि मुझे साधना के क्षेत्र में जाना है, मुझे तंत्र के क्षेत्र में जाना है, तो आप जा सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, ये सब आपके लिए ही बनाया गया है।
लेकिन तरीके से, जो उसका प्रोसेस है उस तरीके से। अगर ये मंत्र और ये बीज की शक्ति शंकर भगवान को स्वयं आपको देनी ही होती तो गुप्त क्यों रखते, गुप्त क्यों रखते? क्यों गुरु गोरखनाथ ने इन चीजों को शंकर भगवान से गुप्त तरीके से हासिल कर लिया, ग्रहण नहीं किया, हासिल किया? तो आप बात समझिए, किसी चीज की चोरी करना और किसी चीज को ग्रहण करने का बहुत अंतर होता है। तो गुरु गोरखनाथ ने उस चीजों को ग्रहण किया, चुराया, फिर उसके बाद उसका प्रचार प्रसार किया, फिर मच्छेंद्र नाथ के पास पहुंचा, फिर बहुत सारे ऐसे जो है चलता चला गया। सो आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान आपके साथ है। लेकिन अगर आप शक्ति की भक्ति करते हैं, शक्ति मतलब भगवती की उपासना करते हैं, जिन्हें हम शक्ति भी कहते हैं, अब शक्ति के कई स्वरूप हो सकते हैं, राक्षसों में भी शक्ति है, प्रेतों में भी शक्ति है, बैताल में भी शक्ति है। तो शक्ति, कौन सी शक्ति आपके सामने आ रही है? क्या उस शक्ति से लड़ने के लिए आपके अंदर वो शक्ति है? तो अपने आप से वो क्वेश्चन करिए कि क्या आपको शंकर भगवान या विष्णु भगवान बचाने आ जाएंगे उस समय में। तो आपको, आई होप आपका आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और अगर अपने आप से आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका आंसर 100% मिलेगा। तो गुरु मुख होइए, बिना गुरु के आप कभी भी, ये बात याद कर ली, चाहे कितनी भी आप बहस कर लें, चाहे कितना भी आप कमेंटबाजी कर लें, चाहे कितने भी आप YouTube चैनल देख लें, बिना गुरु के ना कभी मोक्ष मिलता है, ना कभी भगवान तक मार्ग मिलता है। भगवान ने खुद ही ये निहित किया हुआ है कि जब आप गुरु के माध्यम से जाएंगे तभी आपको मोक्ष प्राप्ति होगी और तभी आपको वो ज्ञान मिलेगा जो ज्ञान आप चाहते हैं। इसीलिए बहुत साधना केंद्रों में, जहां आपके चक्र खोले जाते हैं, जहां दिव्य सेंटर है, चाहे वो सहज योगा हो, कोई भी मेडिटेशन का प्रक्रिया हो, गुरु के माध्यम से ही होती है। आपके गुरु ही आपके दिव्य चक्षु खोल सकता है। जब आप अपने तीसरे नेत्र के चक्र तक पहुंचते हैं तो वहां पे गुरु का ध्यान किया जाता है, गुरु का ध्यान, उसके बाद ही कुंडली खुलती है। तो गुरु का स्थान बहुत सर्वोच्च है, तो इस बात को समझें, प्लीज समझें। और उसके बाद भी अगर कोई इस वीडियो को डिसलाइक करता है, नकारता है और कमेंटबाजी करता है और अपने मन की करता है, तो उसका गुरु तो वैसे ही पीड़ित है, उसके कुंडली में उसका जो जुपिटर है वो वैसे ही खराब है, तो उसको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।